बचा तो नहीं? सब के सब मारे गए। दूसरी खेप कहां से आ रही है? बांग्लादेश से। दुनिया के जबड़ों में हाथ डालकर बादशाह छीन लूंगा। 400 साल पहले मेरे खानदान ने इस मुल्क पर हुकूमत की थी, जिसकी गवाह इस कले की ये बोसीदा दीवारें हैं। वक्त ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन मैं खत्म नहीं हूंगा, नहीं हूंगा मैं खत्म। मैं इस मुल्क पर, इस सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे इंसानों की खोपड़ियों पर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ना पड़े। गाड़ दूंगा अपनी हुकूमत का झंडा। जीवा, ये ग्रीक रेंजर्स का काम नहीं हो सकता। अब ठीक बोलता है मास्टर साहब, ये उन लोगों का काम है जो गरीब मुल्कों का गरीब आवाम को यूरोप पहुंचाने का झांसा देकर उनसे पैसा वसूल करता है, फिर उनसे स्मगलिंग करवाता है, फिर मंजिल पर पहुंचाने से पहले उनको मार डालता है। तो गवर्नमेंट उनके पीछे है? हम भी उनका पीछे है, इसलिए कि हर काम करने का जिम्मा सिर्फ गवर्नमेंट का तो नहीं होता, कुछ हम लोगों का भी होता है। हमारे पाकिस्तानी भाई जिस तरह से मरा है साहब, मैं उनका कातिल को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आप वो लड़का हमको दे दो एम्बेसडर साहब, जो बच गया है हम उसको अपना फॉर्म पर ले जाएगा। वो लड़का अपना जहनी तवाजन खो चुका है, हमने किसी भी न्यूज में उसके जिंदा बच जाने का इजहार नहीं किया, इसलिए कि वो लड़का आई विटनेस है। इसलिए तो हम उसको मांगते हैं, अगर हम उसका हिफाजत भी करेगा और उसका आंख का पहचान लेकर असली कातिल तक भी पहुंचेगा। वो लड़का हमको दे दो मास्टर साहब, हमको दे दो। जरूरी जरूरी, कुछ नहीं होगा, देखो देखो गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। अभी रोता है पाकिस्तान को, हाँ अभी रोता है, पहले भागता है, पैसा भी देता है, माँ बाप भाई बहन दोस्त सब छोड़ता है, इधर आता है रोता है। अपना मुल्क में काम करने को हाथों में ताकत नहीं, इधर आकर जितना काम तुम लोग करता है, अगर उतना ही काम अपना मुल्क में करो तो मुल्क भी तरक्की करेगा और तुम लोग इससे ज्यादा पैसा भी कमाएगा। कभी सोचते हैं? जवानी का जोश में कोई नहीं सोचता है, हम भी नहीं सोचा था, आज हम भी तुम्हारी तरह रोता है,
लेकिन हम जाएगा, देख लो जरूर जाएगा। पहले इधर दलारा का शादी बनाएगा, उसके बाद जरूर जाएगा, चाहे वो लोग हमको फांसी का तख्ता पर लटका दे, पर एक बार अपना वतन का खुशबू को अपना सांसों में बसाएगा, उसका मिट्टी को चूमेगा, फिर उसमें दफन हो जाएगा। रोनी रोनी इधर आओ, इधर हम हैं ना रोनी। जिम्मेदार आदमी हो, स्टोर की गार्ड के चीफ हो, और तुम्हें ही खबर नहीं कि दिलारा कब किस वक्त कहां गई है? बाहर उसका ग्रैंडपा आके बैठा हुआ है, अब बोलो हम उसको क्या बोले, क्या बोले कि वो किधर गई है, किससे मिलने गई है?
कहे ये पल यही थम जाए, वक्त की नब्जें यही जम जाए। दिल कहे ये पल यही थम जाए, वक्त की नब्जें यही जम जाए। जादू भरी आंखें तेरी है जिंदगी इनमें मेरी, सबसे अलग सबसे जुदा दुनिया में तू जाने वफा। कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन, प्यार को ही और तुझे करे ना सदन, प्यार को ही और तुझे करे ना सदन। छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। बस 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 बस, मेरी बारी। तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? जाके और ले आना। इस आइसक्रीम को खाने का मजा ही कुछ और है। किसको देख के छुप रही थी? हमारा घर था, चला गया। तुमने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। है तो ये चोरी, पर नाम छुप छुप करके मिलते। मुझे तो छुपने की जरूरत नहीं। जरूरत तो हमें भी नहीं, बस तुम बाबा से मिल लो, हम उनसे कुछ पाना नहीं चाहते। मिल लेंगे, लेकिन तुम उन्हें मेरे बारे में बताओगी क्या? यही के ये गुलबाज है, पठान है, पाकिस्तान से आया हुआ है, टर्की का मेहमान है। ओ बाबा। हाय मैडम, कम हियर। हाय, आई गेट बैक टू यू आफ्टर चेंजिंग माय ड्रेस। ओके। कल यहाँ एक लड़का आ रहा है। कौन? पाकिस्तानी है, दिलारा उसे पसंद करती है। नाम है उसका गुल। वह दुश्मन वांगो देखिए क्यों मारंडे मोरिडे। बंतो जी संभालिए निका सिंह को, इनकी शराब ने मेरा जीना हराम कर दिया है, वरना मैं कब का पहुंच गया था फॉर्म पर। किधे फॉर्म थे? दिलारा के बाबा के फॉर्म पर। आज उसने मुझे उनसे मिलाना है। बाय। क्या
किया। तू इस कुत्ती चीज नु छड़ने आया कि नहीं? ना तनु छड़ने आ बंतो रानी है, ना इस कुत्ती चीज नु छड़ने आ। तो फिर चल, तनु मैं तेरे फ्लैट छड़े आनी हूँ। मैं किधरे भी नहीं जाऊंगा। तो फिर मर जा, इत्थे ही सो जा। मैं चली हूँ अपनी सहेली दी मंगनी ते गिद्दा पा। नहीं भैया बंतो रानी है, जे हुण सोना हुंदा ते हुण ते कर उस मोरी दे नु क्यों जगाउंदा जेड़ा मन्नू इत्थे छड़ गया। अज सारी रात जागना ते जगाउणा। Sorry.
स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज काटे कर आप वो क्या नाम बताया तुमने? गुल। गुल कावा पिएगा? जी अम्मा कावा ले आओ। किधर रहता है? जी मैं हॉस्टल में रहता हूँ। नहीं नहीं हम इधर का नहीं, वो पाकिस्तान में किधर रहता है? जी मैं ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव का नाम पत्रियाल है। पत्रियाल? आप जानते हैं वहां किसी को? तुम अपना किसी बड़ा का नाम लो। मेरे दादा का नाम सरदार हाकिम खान, मेरे बाबा का नाम सरदार शेर खान। आपने पत्रियाल के हवाले से अपना नहीं बताया, वहां कौन है आपका? अब कोई नहीं है, सब इधर है। मेरे दादा तो आपको जरूर जानते होंगे, मैं वापस जाऊंगा तो आपके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन क्या नाम बताऊंगा? जीवा। मेरे बाबा कैसे लगे? माइंड न करें तो अपने साथ आपकी और दिलारा की तस्वीर बना सकता हूं। मैं आप दोनों की तस्वीर बनाना चाहता हूं। कमाशी जीवा नाम के एक पठान को देखा,
मैंने जानता ये वही जीवा जिसने हमारा बाबा को कत्ल किया, उसका तस्वीरें मैं भेज रहा हूं। अगर ये वही जीवा है जिसका तलाश तुम्हें और दादा को है तो मैंने उसे ढूंढ लिया है। मुझे उसका पहचान पर तुम्हारा यकीन का मोहर चाहिए। फिर देखो मैं उसका सर काट कर कैसे लाता है। तुम्हारा भाई गुलबाज खान। मतलब पके दादी। इंसान बाग कर किधर भी चला जाए, जमीन का सात तहों में, आसमान का बुलंदियों पर, समंदर का गहराइयों में किधर भी छुप जाए, मौत उसको ढूंढ लेता है। गुलबाज अभी बच्चा है, वो उसका सर क्या काटेगा? सर उसका काटेगा जीरा खान। तैयारी है? है। खलील खान, खान जिस दिन ये तलवार जीवा का लहू में नहाएगा उसी दिन हमको खबर हो जाएगा जीरक। तुम तक खबर पहुंचने में उतना ही वक्त है दादा जितना मेरा जीवा तक पहुंचने में वक्त है। इजाजत है दादा। इजाजत है, सत खुशी इजाजत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीरक, जीरक, आज हम तुमसे वादा मांगते हैं, हमारा बच्चा हमको वापस चाहिए जैसा तुम जा रहे। जीरक, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो जीरक, हमसे वादा करो। बेटा वापस आए ना आए, जीवा का लहू जरूर आएगा मां, तुम उसका कब्र पे चराग जरूर जलाएगा, जरूर जलाएगा मां, जरूर जलाएगा। खुदा हाफिज। बाबा आप सोएंगे नहीं? आप कुछ परेशान है बाबा? Thank you.
फ्रेंडम शायद मुखबरी हो गई है, यहां खतरा है, आपका हुक्म चाहिए। माल उठाऊं या छोड़ दूं? ज्यादा कीमती हो तुम हमारे लिए, चांस लो। अगर कोई तुम्हारे साथ फ्लाइट में आने वाला बेवकूफ फंसता है तो फंसा लो, निकल गया तो हमारी खुशनसीबी, फंस गया तो उसकी बदनसीबी। गुड लक। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है तुम? आपने पहचाना नहीं? हमने तो तुमको नहीं पहचाना, हम दोनों एक ही फ्लाइट में थे, पर हमने तो तुमको नहीं देखा। खान साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। खान साहब, मेरा भाई तुर्की आया और उसका यहाँ इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे अफसोस हुआ भाई, मुझे पाकिस्तान उसकी मैयत लेकर जाना है। खान साहब, आप मेरा एक काम कीजिए। क्या काम है? मेरा बैग लेकर बाहर चलिए, मैं जरा एयरपोर्ट वालों से बात करके आता हूँ। भाई तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारा बैग का ख्याल करेगा। कितने तुम्हारा बैग? वो वाला है? कौन सा वाला? वो साथ वाला। वो जो हमारा बैग के साथ पड़ा? तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारा बैग लेकर आएगा। तुम जाओ, आराम से बात करो, आराम से। अल्लाह इसको सब्र देना।
करता, चक मारू। तू आ गया? ओ तुसी सानू बुलाया, असी हाजिर हो गया, हुकम। निक्किया, मैं सुनिया कि तू अपने यूनिवर्सिटी दे इम्तिहान च फिर फेल हो गया। ओ कोई परवाह नहीं बंतो जी, असी ते तुहाडे इशक दे इम्तिहान च पास होना चाहुणे आ, पर तुसी सानू इशक दे इम्तिहान च पाउंदे नहीं। ओ तैनू मैं की इम्तिहान च पाऊं, मैनू तो हर वेले एहो ही डर खांदा रहिंदा कि किधरे तेरा सारा जीवन मेरे पीछे बर्बाद ना हो जाओ। तुसी एक जीवन दी गल कर रहे हो बंतो जी, असां ते सत ते सत जन्म तुहाडे नावे ला दित्ते आ। अच्छा जी, सारे जग दे आशिकां दी सौ। अच्छा आशिक सुदाई सा जी, मनो एक गल दसो, तुहानू मेरे चाखर पसंद किया? हाय हाय मनु, तुहाडियां बुलियां दे थले निक्का जिहा तिल पसंद आ। फिटे मूंह जी तुहाडा, एक निक्के जिहे तिल पिछे तुसी सालम दी सालम जट्टी नाल इशक कर बैठे हो। तिल दा ते बहाने आ, असल तां सानू तुहाडियां बुलियां दा ए टोया पसंद आ। थोड़ा एक दफा फिर फिटे मूंह। ओ क्यों, थोड़ा कोई दीन धर्म आ? है जी। ओ की जी? इशक, प्रेम, प्रीत। अरे क्या ओए कौन है इधर आ? बापू आ। ओ बापू ते फेर क्यों सारे नो दा बापू? ओ किथों आ रे बापू? मैनू कछेज लुका ले, ओ मैनू गोडीज लुका ले, बापू मेरे नाल की करू बापू? अनि क्या, अनि क्या मैनू सवेरे सवेरे जगा के किथे टुट गए हैं? हाय हाय, ओ किदा किदा दिया तस्वीरें लाउंदे अखबार वाले सवेरे सवेरे। आओ निक्किया, तेनू कुछ तस्वीरें बहावा सवेरे सवेरे, केड़ी मां कोल जाके बह गया वा? ऊपर तू क्यों परेशान आ? बड़ी गड़बड़ हो गई निक्का सिंह। ओ होया किया? पाकिस्तान से भाई आया, उसे कस्टमरों ने गिरफ्तार कर लिया। ओए ऊपर काहे ले? यही तो नहीं पता निक्का सिंह, मैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की तरफ जा रहा हूँ। ओ मैं भी तेरे नाल चलूं। निक्का सिंह तुम अपनी पसौड़ी निपटाओ, मैं अपनी पसौड़ी निपटाता हूँ। हाँ खैरा बापू, तू मनु कपड़े लत्ते लैके आने का आख्या सीगा। आ तेरी भैन की चिट्ठी आई आ। अच्छा सब खैरियत आ बापू? ओ पता है मैनो, मैं तेरी भैन की चिट्ठी पढ़ बैठा हां। ओए ओदा नाम ही बंतो या ना? नहीं जी। हां जी। ओ मकारा, ओ तू मैनू केड़े पंभल पूसे च पाई रखे आ? तू अपनी भैन नु भैन कहंदा रिया ते मैं दफा हो जा। जे तू इत्थे दूजी घड़ी नजर आया ते तेरे नाल बंतो दा भी झटका करदा हूं। बापू ए जुलम ना कमा, मैं बंतो नाल व्याह करना चाहना। ओ मैं बंतो दी गिच्ची कर सकदा हां, तेरे वर्गे नाल व्याह नहीं कर सकदा। बापू मैं तेरे पैरी पैणा बापू, पैरी पैणा बापू, पैरी पैणा। ओ दफा हो जा। सुन ले बापू, बंतो भी आखेगी ते मैं नहीं मुड़ना, कोई भी आखेगा ते मैं नहीं मुड़ना। अबंतो, अबंतो। किया बापू? थल्ले आ। आई। किया बापू? मेरी गल जरा गौर नाल सुन, मैं निक्के नू नौकरी तो जवाब दे दिता आ। ओ अपना समयान लेके दफा हो गया, हुण तू भी ओनू भुल जा। ए तू की जुल्म कमाया बापू, तै जिंदगी तेरे कोलो कदी कुछ नहीं मंगया, अच मैं ते ओने तेरे कोलो एक होण दी आग्या मंगी सीगी,
पर तू किधर गया हो? टट्ठे खूह विच। ते फिर समझ ले टीवी उसे टट्ठे खूह विच डुबर जा रही है बापू। ओ बंतो रुक जा बंतो। माफ कर दे मैनू मेरे प्यू। की कह रहे हैं बापू, तू तो मैनू कैसी है? प्यार अगे बादशाह महाराजा ने सिर चुका लिते, ओ मैं कुत्ता कमीना की चीज हां? ए गल तू बिल्कुल ठीक कीती है बापू। अच्छा चल फिर घर चलिए। ना बापू हुण मेरे कोल भी टाइम नहीं हैगा। आ
ਛੱਡਦੇ ਨਿਕਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਜਾਣ ਨਿਕਿਆ ਕੀ ਮਨ ਜਾ ਓਏ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕੀ ਇਸਤੰਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਸਤੰਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਇਸਤੰਬੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਇਸਤੰਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਇਸਤੰਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ नाम जीवा है कल तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा तो बोला तुम हमारा दुश्मन क्यों दुश्मन हमारा आंख कल लाली को गौर से देखो जीवा ये लाली हमारा बाप का सीने से उछलने वाले खून का लाली है और वो खून तुमने क्या था तुमने हम सीरक खान है सरदार शेर खान का बेटा हम तुमको इधर मारने के वास्ते आया और तुमने इधर हमको झूठा स्मगलिंग का केस में फंसा दिया ताकि हम तुम तक न पहुंच सके लेकिन जीवा ये जेल ये शीशे का दीवार हमको तुम्हारा शहर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता नहीं रोक सकता नहीं रोक सकता हमको उसको बचाना है एम्बेसडर साहब वो बेगुनाह है हम जानते हैं वो बेगुनाह है लेकिन कस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो गिल्टी है मुजरिम है हम सारा जिंदगी स्मगलर्स के खिलाफ लड़ा है एम्बेसडर साहब चाहे वो स्मगलर पाकिस्तानी हो तुर्क हो या कोई और पर हम लड़ा है इस मुल्क का इज्जत और बका के लिए लड़ा है इस मुल्क को हम अपने मुल्क समझते हैं इसका लिए हमारा जान भी हाजिर है इसलिए यहां का अदालत को हमारा जबान पर यकीन करना पड़ेगा पाकिस्तानी एम्बेसी और कॉन्सुलेट भी आपके साथ है मिस्टर जीवा तुर्क गवर्नमेंट भी आपके साथ है लेकिन कानून के सामने यह केस आपको खुद लेके जाना होगा अगर आप ज्यूरी के सामने उसकी बेगुनाही साबित कर सके तो यह तुर्की की हिस्ट्री में पहला केस होगा कि कोई स्मगलर पकड़ा गया हो और फिर उसे छोड़ दिया गया हो आपकी जीरा खान से मुलाकात नहीं हो सकती क्यों उसने कल जीवा साहब पर कातलाना हमला किया जीवा यहां आया था हम तुम्हारा ही भाई के लिए दुआ कर रहा था अब तुम अपने सर की दुआ मांगो जीवा मैं तुम्हारा सर लेने आया हूं हमारा सर लेने आया हमारा सर लेने का बात करेगा तो अपना जान भी खोएगा और अपना भाई भी खोएगा
ये पिस्तौल अपना जेब में रखो बच्चा, इधर इतना असला है कि तुम एक गोली चलाएगा तो तुम्हारे ऊपर गोलियों का बारिश हो जाएगा। क्यों गंवाता है अपना जान, इसको अंदर रखो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। हमको तो है, हम किसी बेगुनाह का खून से नहीं खेल सकता। मगर मेरे बाप का क्या गुनाह था? तुम्हारा बाप का गुनाह ये था कि वो गद्दार वतन था, लाखों इंसानों का कातिल था, वाजिबुल कत्ल था। कि मेरा बाप ऐसा था सर? कोई भी मुसलमान इस कुरान पाक के सामने झूठ नहीं बोलता। अगर तुमको इस पर यकीन है तो हमारे बात पर यकीन करो। हमने जो कुछ बोला है सच बोला है। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जनरल और जीवा दोनों उस पाकिस्तानी पठान को बचाना चाहते हैं जिसे तुमने फंसाया। अगर वो पठान बच गया तो क्या? तो क्या, दोनों मरेंगे। पठान भी जीवा भी। हमारा जिंदगी का 22 साल इस मुल्क का जमीन पर गुजरा है जनाबे वाला। ना हम इस मुल्क के लिए नया है, ना ये मुल्क हमारे लिए नया है। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हमेशा हमारे जबान पर इतबार किया है। किसका गवाह? मुख्तलिफ केसों का ये फाइल आप देख सकते हैं। हमने बरसों से पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानियों को आपकी अदालत से इंसाफ दिलाया है, और आज भी स्मगलिंग का जुर्म में गिरफ्तार होने वाले जिस पाकिस्तानी के लिए हम इधर आए हैं वो भी बेगुनाह है। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुर्की पाकिस्तान का भाई मुल्क है, और कोई भाई दूसरा भाई का मुल्क में मौत लेकर नहीं जाता। जीरा खान जब पाकिस्तान से चला था तो उसका हाथ में सिर्फ एक बैग था, एक। उसको एयरपोर्ट पर भी एक ही बैग का टैग दिया गया, जबकि गिरफ्तारी का वक्त उसके पास दो बैग निकला। वो चीखता रहा कि दूसरा बैग उसका नहीं है, लेकिन उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। हम आपसे ये नहीं कहता कि उसको बेगुनाह समझकर छोड़ दिया जाए, बस इतना दरखास्त करता है कि हमेशा की तरह आज भी हम पर यकीन करके उसको जमानत पर आजाद किया जाए। इसके बदले में हम अपना तमाम प्रॉपर्टी का कागजात आपके हवाले करता है, और ये वादा करता है कि बहुत जल्द असल चेहरा कानून के सामने ले आएगा। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं बोलना। शुक्रिया। गुल, हमको यकीन है कि ज्यूरी तुम्हारा भाई को जमानत पर रिहा कर देगा। गुलबास, हमारा जमानत किससे कराया? तुम्हारी जमानत के पीछे एक ऐसे इंसान का हाथ है भाई, जिसको तुम अपना दुश्मन बोलते हो, जिसका नाम है जीवा। गुलबाज़!
जीवा ने हमारे पापा को कत्ल किया, ये उसका दोस्त बैठा था भाई। गलबाज, 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 क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है? वही जो सच्चाई है, जो सच्चाई है भाई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, हकीकत और सच्चाई से नजर नहीं जुड़ा सकता। हकीकत, हकीकत, हकीकत क्या है ये हम जानता है, हकीकत इन आंखों ने देखा, इन आंखों ने हकीकत देखा, गलबाज हकीकत इन आंखों ने देखा, बाकी सब झूठा, झूठा, झूठा बाकी सब कुछ। अगर तालीम ने तुमको यही सिखाया तो आज के बाद तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म है। जब बाप के इंतकाम को भूल गया हम, उसको भूल गया, उसको भूल गया। दिन ना जवानी नाले चलती उड़ती मल मल दी आ। ओ मैं क्या खा साहब, ओ रोटी तैयार है, चल के खा लो। हमको भूख नहीं है, भूख नहीं है। ओ तेरा क्या हो जा प्राय गुलखाना, ओ जदों दे आए तो भूख ही नहीं लग दिया। आ भाई खाना खा लो, सरदार ने और बंतो जी ने बड़े प्यार से बनाया। आहो बोला ना, नहीं खाना हमने, नहीं खाना हमने। जे तुसी खाना ना ना खादा हां जी, ते असी भी कोई नीजे खाना ले। ए भी भला कोई गल है क्या मैं निकिया? आहो जी प्यास होवे लऊ दी ते सजा मिले टिड नु, ट्रेन दे सारीयां गल्लां। तुसी खाना खाओ ते पानी दी थां लऊ पी लेना जीवे दा, ओ भी बर्फ पा के। दुआ करो जो जबान हमने किया है उसका पूरा कर सके। ओए अपना वादा फेर पूरा कर लेना खाजी, और पहले चल के रोटी खाओ ते रात दे जशन दी तैयारी करो। जशन काहे का निका सिंह? ओ तेरे भरा दी मेहमान नवाजी च एक कट कीता, एक बिल लाया जिदे च एहो जिया जशन हाऊ, एहो जिया जशन हाऊ के थोड़ी देर ले तेरे भरा दी अख ओ खून दी लाली भुल जाऊ।
के शीशा कहंदा तेरे जी हो कोई ना से नाराज क्यों हो भाई? जो हमारा दुश्मन कल्ला उससे प्यार करता है, हम उससे नफरत करते हैं। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है भाई। प्यार करने के वास्ते सिर्फ दुश्मन का बेटी था। मैं नहीं जानता था कि दिलारा जीवा की बेटी है। अब तो जानता है, अब तो जानता है ना, अब तो नफरत कर सकता है। जीवा के जुर्म की सजा उसकी बेटी को मिले, ये इंसाफ तो नहीं है भाई। जंग में सब जायज होता है, मोहब्बत में भी सब जायज होता है भाई। क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है? हेलो जीवा, बोलता है जीरक? बोलता है। बोल, तुम हमारा जमानत कराया इसलिए कि तुम ऐसा हरकत करके अपना सर बचाना चाहता है। हमारा सर बचाने वाला तो ऊपर बैठा, हमने तो अपना फर्ज अदा किया। हम अपना किसी पाकिस्तानी भाई को मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए बचाए। भाई मत बोलो, दुश्मन बोलो, दुश्मन। हमारे पास तुम्हारे साथ दुश्मनी का कोई वजह नहीं है। हमारे पास है, है हमारे पास 18 बरस से बाप का खून का चादर देखता रहा और तुमको ढूंढता रहा। हमको मालूम नहीं था, अगर मालूम होता तो हम तुमको